हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल खोलने के लिए फैसला लिया गया था और आज लगभग 86 दिनों बाद स्कूलों को खोला गया है। कुरुक्षेत्र में अभी ये स्कूल 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुले हैं और इसी दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के घटते मामलों की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह गवर्नमेंट स्कूल कुरुक्षेत्र की है, जहां पर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया। उसके बाद सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई, हाथों को सैनिटाइज किया, फिर बच्चों को क्लास में प्रवेश दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि हरियाणा सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या 1120 की संख्या है। उसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय स्तर पर निर्णय लेने को कहा था, जिसको लेकर हमने 11वीं से 12वीं से बच्चों के स्कूलों को खोला है और गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आज हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार कोविड को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन विद्यालय में जो संख्या है लगभग 1120 की संख्या है, उसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी विद्यालय स्तर पर निर्णय लेने के लिए कहा था कि जो बड़े विद्यालय हैं वो अपनी संख्या के अनुसार मैनेज करेंगे और जो छोटे विद्यालय हैं वो अपने सभी बच्चों को कॉल करेंगे। हमारे विद्यालय में आज हमने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विद्यालय को खोला है। गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। बाहर आप जब आए होंगे तो आपने देखा होगा कि गोले लगाए गए हैं, बच्चे उन गोलों में खड़े हो रहे हैं और उसके बाद उनके टेम्परेचर की जाँच की जा रही है। टेम्परेचर की जाँच करके रजिस्टर उसका मेनटेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेकर आएँ, कंसेंट लेकर वो आए हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए थे विद्यार्थियों को कि अगर कोई बीमार है तो वो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। इसी प्रकार की से हमारी SMC की और PTA की कल मीटिंग करके पेरेंट्स को भी ये बता दिया गया था कि इस प्रकार से विद्यालय खुलेंगे तो इसमें कोविड का ध्यान रखते हुए हमने काम करना है। मुख्यमंत्री की डिस्टेंस लर्निंग योजना के अनुसार जो कार्य चल रहे हैं उसमें टीवी के ऊपर जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो टीवी पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों को जो टीचर्स हैं कक्षा में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे और इस महीने लास्ट में हमारा SAT का पेपर भी होगा और ये मंथली पेपर हर बारी होगा। इसको हम अवसर ऐप पर ले रहे हैं तो बच्चों को ऐप्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, किताबों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और क्योंकि इस वर्ष से ही हमारा विद्यालय CBSE से अफिलिएट हुआ है तो नया जो भी हमारा CBSE का प्रकरण रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सर आज हम पहली बार स्कूल लेके आए बच्चों के, लेकिन यहाँ के हमने देखा कि व्यवस्था काफ़ी हद तक अच्छी है। पहले स्कैनिंग की यहाँ पे, फिर थर्मल अपना सैनिटाइज हाथ किए, फिर अंदर हम गए जिस टाइम तो वहाँ पे व्यवस्था बैठने के लिए अच्छी थी और टीचर भी काफ़ी उत्साहित और बच्चे भी उत्साहित दिखे मेरे को। बाकी अगर समय क्या कहता है। मेरा नाम देव है और मैं 11th कक्षा का विद्यार्थी हूँ और आज कोविड के बाद आज हमारे स्कूल काफ़ी समय बाद खुले हैं और आज के बाद और अब से हमारे पहले हमें ऑनलाइन समझ में तो आ रहा था, लेकिन अब टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके हमें और अच्छे से समझ में आएगा और अब के बाद हमारी मतलब पढ़ाई वगैरह हमारी और अच्छे से हो पाएगी, हमारे डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। मेरा नाम यश है, मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ। हम 3 महीनों के बाद स्कूल में आए हैं और वैसे तो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही थी, उसमें भी हम ठीक कर रहे थे, परंतु स्कूल में आके हमें वो जो पढ़ाई हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे वो हम स्कूल में आके अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जो हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे वो हम समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आके थोड़े कंफर्टेबल हुए हैं, जो बोर्ड के पेपर थे उनमें हम कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरा नाम चंदन भारद्वाज है, मैं कक्षा 12वीं C में पढ़ता हूँ। आज मेरे को स्कूल में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले हम हमारी कक्षाएं ऑनलाइन लगा करती थी जो कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया करते थे, उसके अंदर भी कोई समस्या नहीं थी।